आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज के ताजा खबरों की। मथुरा का 1,05,00,000 की लूट का इनामी बदमाश से पुलिस के मुठभेड़, 3 साथी सहित गिरफ्तार। थाना कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात हुई मुठभेड़। 1,00,000 के इनामी बदमाश के साथ मुख्य आरोपी गिरफ्तार, घायल अस्पताल में भर्ती, पैर में लगी है गोली। गौरतलब है कि थाना कोतवाली क्षेत्रांगत को स्टेट बैंक चौराहे के पास बुलियन व्यापारी के साथ हुई करोड़ों रुपए की लूट की घटना के मुख्य अभियोग में 1,00,000 का इनामी घोषित वांछित मुख्य अभियुक्त अरविंद व 3 अन्य साथी के साथ बीती रात माल गोदाम रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मथुरा SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि बुलियन व्यापारी से लूट का मुख्य आरोपी वहां से गुजरने वाला है, जिसको लेकर पुलिस ने घेराबंदी कर दी। जैसे ही अपराधी वहां से गुजरा, पुलिस ने घेर लिया। अपने एवं अपने साथियों को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें मुख्य आरोपी अरविंद के पैर में गोली लग गई एवं उसके अन्य साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही घायल को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने बताया। बताते चले कि मथुरा में सबसे बड़े लूटकांड का पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, परंतु मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस के अथक प्रयास के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा ठाकुर की खास रिपोर्ट। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। उसी में एक सूचना प्राप्त थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई थी कि जो विगत दिनों 16 अगस्त को यहां पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा की नकदी की लूट की घटना हुई थी, उसके संबंधित जो मुख्य आरोपी है अपना साथियों के साथ अब यहां से मूवमेंट कर रहा है। उसी के सूचना के ऊपर माल गोदाम रोड पर पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। अपराधियों की सूचना पाते ही उनके द्वारा अपराधियों को वार्न किया गया। उसके Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.